finished my push workout and I am 8 days out from Musclemania India and अब है मेरा refeed meal. मैं अब McDonald's जाऊंगा refeed meal खाने. So चलो McDonald's चलते हैं. बिग बर्गर्स हैं एंड एक स्मॉल चिकन बर्गर है. ये भी चिकन है एंड साथ में फ्राइज़ है. ये अभी नहीं खाऊंगा मैं, ये मैं लास्ट मील रात को सोने टाइम खाऊंगा. साथ में कोक ज़ीरो लूंगा. सो अभी ये पैक करके घर चलते हैं. सो फाइनली गाइस टाइम टू ईट रीफीड मील. जितने भी लोग हैं जिनको रीफीड मील और चीट मील में फ़र्क नहीं पता, रीफीड मील वो होती है जो प्लान्ड होती है और चीट मील जो होती है जो हम अपनी मर्जी से कभी भी खा लेते हैं. रीफीड मील प्लान्ड होती है, जैसे अभी मैं कॉन्टेस्ट पे कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ. सो मैं पूरा डिप्लीटेड हूँ, तो मेरे कोच ने देखा तो उन्होंने मुझे रीफीड मील दी. रीफीड मील एक प्लान्ड मील होती है. सो चीट मील जो होती है वो हम जैसे कभी भी खा ली, कभी भी बर्गर खा लिया, कभी बर्गर पिज़्ज़ा खा लिया. बट रीफीड मील अभी मैं फुली डिप्लीटेड हूँ, फुली ड्राई हूँ. सो अभी ये खाऊंगा लास्ट मील में और खा के सो जाऊंगा. फिर कल अपनी प्रोग्रेस पिक्स जो भी है अपने कोच को भेजूंगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी है होगा. सो अब मैं ये खाऊंगा. रीफीड मील चल रही है. ये एक बर्गर खा चुका हूँ, एक और था बर्गर वो भी खा चुका हूँ. एक बर्गर पड़ा है और फ्राइज पड़ी हैं, कोक ज़ीरो साथ में. रीफीड के साथ नियत भी भर गई जो था इतने दिनों का, तो अच्छा लगा, मज़ा आ गया. तो गाइज़ अभी मैं उठा हूँ एंड मैंने अपनी बॉडी चेक इन की है आफ्टर रीफीड मील जो मैंने रात को खाई थी. मेरी बॉडी ड्राई एंड फुलर, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन आ गई है बॉडी की. मेरी लेग्स में सेपरेशन तो थी, मतलब बॉडी मेरी डिप्लीटेड लग रही थी, बट आफ्टर रीफीड मील बॉडी, पूरी बॉडी चेंज होगी. वेंस आ गई पूरी लेग्स में, बॉडी में. तो मेरी फर्स्ट रीफीड मील थी कंटेस्ट प्रेप की, बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा. तो प्लान्ड रीफीड मील थी, चीट मील नहीं थी कोई. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कमेंट ढेर सारा प्यार, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना कि ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज अभी डाली जाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाए.